जी अस्सलाम वालेकुम। आज के जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक रिलेटेड है सर्वे के, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक कर्व से रिलेटेड है। ठीक है, इस टॉपिक, ये टॉपिक इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर आप देखा जाए तो फाइनल पेपर्स के अंदर सिर्फ उसे लॉन्ग ही नहीं बल्कि शॉर्ट और लॉन्ग दोनों क्वेश्चन इस चैप्टर के अंदर से बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले कर्व होता क्या है? बेसिकली हम लफ्जी तौर पर से देखें तो ये गोलाई को कहा जाता है। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन जो जहन में आता है वो ये है कि व्हाई वी प्रोवाइड कर्व, के हम कर्व क्यों प्रोवाइड करते हैं। तो जिसका एक बेसिक सा आंसर है वो ये है कि टू चेंज द डायरेक्शन। अब टू चेंज द डायरेक्शन का क्या मतलब? टू चेंज द डायरेक्शन का मतलब ये हुआ कि फॉर एग्जाम्पल आप किसी सीध के अंदर सड़क बना रहे हैं और आगे जाके एक पहाड़ आ गया। अब आपके पास यहाँ दो सूरत है, या तो यह कि आप पहाड़ को काटें, काट के सड़क को सीधे ही रहने दें और वहां से तामीर करें। लेकिन सिविल इंजीनियरिंग के अंदर हमने ये चीज देखनी होती है कि हमने जो भी चीज कंस्ट्रक्ट करनी है वो इकोनॉमिकल हो, अन इकोनॉमिकल प्रोजेक्ट ना हो। अब ये भी हो सकता है कि पहाड़ को काटने में इतना ज्यादा खर्चा आ जाए जितना ओवरऑल सड़क पे नहीं आया। तो इस चीज को बचाने के लिए हमने क्या करना है कि कर प्रोवाइड कर देंगे ताकि खर्चा कम आए और हम जो है पहाड़ को काटना हमें ना पड़े, या कोई आगे नदी नाला है तो उसको हमें कवर ना करना पड़े। सबसे पहली बात आ गई जी पॉइंट नंबर वन, कह रहे सेंटर ऑफ कर्व। कर्व क्या होता है? एक सर्कल का एक हिस्सा होता है, उस सर्कल जो होता है उसका एक सेंटर होता है। सेम इज द केस, अगर उस सर्कल का एक हिस्सा है तो सर्कल का सेंटर जो है वही सेंटर ऑफ कर्व कहलाएगा। रेडियस ऑफ द कर्व, सेम इज द केस, जिस तरह सर्कल का एक रेडियस होता है और एक डायमीटर होता है, इसी तरह चूंकि कर्व पार्ट होता है सर्कल का तो इसलिए वही रेडियस कर्व का भी होगा जो कि सर्कल का रेडियस होगा। इसकी दो बेसिक टाइप्स हैं, हॉरिजॉन्टल कर्व्स एंड वर्टिकल कर्व्स। हॉरिजॉन्टल कर्व वो कर्व्स जो कि हॉरिजॉन्टल प्लेन यानी कि जमीन की सतह के ऊपर ही बनाए जाते हैं, उन्हें हॉरिजॉन्टल कर्व्स कहा जाता है। वर्टिकल कर्व्स वो कर्व्स होते हैं जो कि वर्टिकल प्लेन में बनाए जाते हैं, यानी कि वो जमीन की सतह से उठा के बनाए जाते हैं। लाइक बाज दफा हम लोग उन शहरों के अंदर देखते हैं कि ट्रैफिक वॉल्यूम ज्यादा होने की वजह से हमारे यहाँ पे उनके नाम है फ्लाई ओवर बनाए जाते हैं। अब फ्लाई ओवर होता है वो वर्टिकल कर्व की जुमले में आता है। अदर जो मेन इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं वो आपके सामने पिक्चर्स बना के मैंने सामने बयान कर दी है और मैं इनको डिस्कस करता हूँ एक एक करके। सिंपल कर्व और सर्कुलर कर्व, सिंपल कर्व को सर्कुलर कर्व कहा जाता है। ये डायग्राम बनाई है, ये एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल के अंदर क्या है, वो इज द सेंटर ऑफ द कर्व, आर इज द रेडियस है और ये कर्व है। सिंपल कर्व वो कर्व होती है जिसके हर पॉइंट के ऊपर रेडियस सेम होता है, मतलब 6 मीटर 6 मीटर 6 मीटर सेम है, तो इसका मतलब हम इस कर्व को सिंपल कर्व कहेंगे। सेकंड पॉइंट पे आता है ट्रांजिशन कर्व। ट्रांजिशन कर्व एक ऐसी कर्व होती है, वो कर्व जिसके हर पॉइंट के ऊपर रेडियस चेंज होता जाए उसे कहा जाता है ट्रांजिशन कर्व। ये सेंटर ऑफ द कर्व है, ए बी और सी थ्री पॉइंट्स के ऊपर, तीनों के ऊपर आप देख सकते हैं कि रेडियस डिफरेंट हो रहा है, यानी रेडियस इज डिक्रीजिंग 6, 4, 2, हर पॉइंट पे रेडियस कम हो रहा है, इसलिए इसे ट्रांजिशन कर्व कहा जाता है। कंपाउंड कर्व्स, कंपाउंड कर्व्स कहते हैं, जैसे कि केमिस्ट्री में हम पढ़ते थे कि दो एलिमेंट्स को इकट्ठा मिलाए तो कंपाउंड बन जाता है। सेम इज देखिए, दो सिंपल कर्व्स को इकट्ठा मिलाएंगे तो कंपाउंड कर्व बन जाता है। अब सिंपल कर्व, ये देखिए सिंपल कर्व की ये वाली एग्जाम्पल और ये दोनों एग्जाम्पल सेम है, यानी आप सबने कॉपी की और पेस्ट कर दी। अब क्या हुआ कि अगर दो कर्व्स सिंपल कर्व्स हो, वो दोनों आपस में जुड़ी हुई हो और दोनों का सेंटर ऑफ कर्व, दोनों का सेंटर एक ही साइड पे मौजूद हो तो उसको कंपाउंड कर्व कहा जाएगा। अब देखें, ये अगर मैं सिर्फ इसको एक को कंसीडर करूं, ये सिर्फ सिंपल कर्व, ये भी है सिंपल कर्व, ये भी है, क्योंकि रेडियस सेम है, यहां पर भी रेडियस सेम है, इन दोनों को जब इकट्ठा मिलाएंगे तो बन जाएगा कंपाउंड कर्व। लेकिन इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि इसके अंदर दोनों का सेंटर जो है वो एक साइड के ऊपर होता है। रिवर्स कर्व, रिवर्स कर्व का मतलब ये हुआ कि उल्ट, दो सिंपल कर्व्स अगर इकट्ठी जोड़ी जाएं, इस तरह से जोड़ी जाएं कि दोनों का जो सेंटर है वो एक दूसरे के ऑपोजिट आए तो उसको कहा जाता है रिवर्स कर्व। अब ये असल में ये भी दोनों सिंपल कर्व मिलाकर रिवर्स कर्व बने, ये भी दो सिंपल कर्व मिलाकर कंपाउंड कर्व बने। ठीक है,
ठीक हो गए। अब ये कर्व प्रोवाइड कहाँ कहाँ पे की जाती है? ये कर्व प्रोवाइड की जाती है रोड्स के ऊपर, रेलवे ट्रैक्स के ऊपर, या वाटर चैनल्स के ऊपर, कैनाल्स के ऊपर, वहां पर प्रोवाइड की जाती है। अब ये जो एग्जांपल ए और एग्जांपल बी मैंने आपके सामने ये बनाई हुई, अब इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करते हैं कि क्या चीज है। होता क्या है कि ये दोनों एग्जांपल्स इन तीनों रोड्स, रेलवे ट्रैक और कैनाल के लिए बिल्कुल सही है। यहां से अगर मैं पहले रोड की बात करता हूँ, यहां से गाड़ी आई, गाड़ी की स्पीड थी फॉर एग्जाम्पल 80 meters per second, 80 kilometers per hour, एग्जाम्पल बताओ 80 kilometers per hour इसकी स्पीड थी। जब यहाँ पे आके पहुंची तो यहाँ पे आके उसको ब्रेक लगाने पर उसी स्पीड से कार उसको क्रॉस नहीं कर सकती। जब यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियां आके आहिस्ता होंगी तो पीछे कॉन्जेशन होगी, यानी रश बढ़ गया है। हमने इस रश को करने के लिए क्या किया, सर्कुलर कर्व प्रोवाइड कर दी। अब क्या होगा कि वही गाड़ी जो 80 kilometers per hour की स्पीड से आ रही थी, वो यहाँ से भी 80 kilometers per hour की स्पीड में गुजर जाएगी बगैर स्पीड हल्के की और बगैर रश बनाए। सेम इज द केस रेलवे ट्रैक के साथ भी यही है। पानी की बात करें तो क्या होगा, पानी की बात करें तो ये होगा कि देखें पानी जो आता है जब वो चलता है तो उसकी वेलोसिटी होती है, उसकी ताकत होती है। अब अगर इस तरह का आप चैनल के अंदर कर्व बनाएंगे तो तेज स्पीड से आने वाला पानी आएगा तो यहाँ पे आकर टकराएगा, टकरा के जब अपनी एनर्जी जो है रिलीज करेगा तो यहां से मट्टी को उखेड़ना शुरू कर देगा। जब उखड़ेगा तो यहाँ पे मट्टी रिमूव होगी, यहाँ पे मट्टी डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगी, यानी कि चैनल अपने सलादत से मूव करता जाएगा आगे। लेकिन इस सेकंड एग्जांपल में देखें तो अगर पानी जिस स्पीड से आ रहा है वो बगैर चैनल को इरोड किए, बगैर डिपॉजिट किए सॉइल या सैंड या क्ले जो भी है उसको बगैर डिपॉजिट किए, बगैर जब मूव किए यहाँ से गुजर जाएगा उसी स्पीड के साथ। यहाँ पर उसकी स्पीड कम होगी, स्पीड कम होने की वजह से यहाँ इरोजन होगी, यहाँ डेपोजिशन होगी। जी जी, बहुत शुक्रिया।